देखें, अफ़ो दरगुज़र तो ये वो अमल है कि कोई छोटा बंदा कभी किसी को माफ़ नहीं कर सकता। ये बड़ा ज़र्फ़ चाहिए। मेरे हुजूर की सुन्नत है माफ़ कर देना, और सरकार ने तो उन्हें भी माफ़ किया कि जिन्होंने आपकी राह में कांटे बिछाए, यहाँ तक कि जिन्होंने आपके प्यारे चचा को शहीद किया, बल्कि उनका कलेजा चबाया, उसको उनको भी माफ़ कर। छोटा आदमी कभी माफ़ नहीं कर सकता, याद रखिएगा। और अगर कोई छोटा आदमी माफ़ कर दे तो कुदरत उसे बड़ा बना देती है, कुदरत उसे बड़ा बना देती है। आप माफ़ करें, यकीन करें, आज हमारे माशरे में जो जैनेक्स की गोली सबसे ज़्यादा बिक रही है, लोगों का ब्लड प्रेशर जो बढ़ा हुआ है, इसकी वजह यही है कि हमने छोटी छोटी बातें अपने दिल में रखी हुई हैं। हम लोगों को माफ़ी नहीं करते। वो एक बाबा जी गुजर रहे थे एक जगह से, उन्होंने देखा कि गांव में बहुत सारे लोग जमा हैं। पूछा क्या हुआ? कहा जी कुत्ता जो है वो गिर गया था कुएं में। कहा तो फिर क्या किया? कहा हमने 100 डोल, किसी ने कहा पानी निकाल दो, किसी ने कहा 200 डोल निकाल दो, 600 बाल्टियाँ निकाल चुके हैं, मगर अभी तक बदबू नहीं जा रही। तो बाबे ने कहा क्या तुमने कुत्ता भी निकाला है? कहा नहीं जी, वो तो नहीं निकाला। कहा फिर सारी उम्र भी लगे रहोगे तो ये बदबू ख़त्म नहीं होगी, तो पहले वो कुत्ता निकाल। तो अंदर से हमने पहले वो तमाम चीज़ें जो हमने अंदर भरी हुई हैं वो हमें निकालनी है। जब तक हम वो नहीं निकालेंगे, ये जो राह है, राह सुलूक जिसे कहा जाता है, इस राह पर वो बंदा चल ही नहीं सकता जब तक वो अपने दिल को साफ ना कर ले, आगे बढ़ ही नहीं सकता। कितनी तस्बीह पढ़े, कितने जिक्र करे, कितने वज़ाइफ़ पढ़े, जब तक अपने दिल को साफ नहीं करेगा वो एक कदम भी इस राह में आगे नहीं जा सकता। क्या करना है? माफ़ करना है, माफ़ करना है। अच्छा, बाज़ लोग कहते हैं जी हम सबको माफ़ कर देंगे मगर इस एक शख्स को माफ़ नहीं करेंगे। है भाई, सबको माफ़ कर देंगे, इस एक को तो मैं माफ़ नहीं करूँगा बस। तो मैंने कहा एक तो आपने अंदर रखा हुआ है तो वो बदबू ख़त्म कैसे हो? तो सबको माफ़ करना, माफ़ करना। वो क्या खूबसूरत किसी ने कहा, बल्कि मैं अपनी बात करूं तो मेरी तो यही आदत है, दोस्त जानते हैं सारे, कि कुछ इस तरह से मैंने अपनी ज़िंदगी को आसान कर लिया, कुछ इस तरह से मैंने अपनी ज़िंदगी को आसान कर लिया, किसी से मुआफ़ी मांग ली, किसी को मुआफ़ कर दिया। तो अल्लाह ताला हम सबको भी मुआफ़ फरमाए, अल्लाह ताला हम सबको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए।